अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा जो लेसन है वो है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में कि हम किस तरह अपनी वेब पेज में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की टैग बनाएंगे। तो हम स्टार्ट लेंगे सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट, यूएल। यूएल मींस अनऑर्डर लिस्ट। और फिर हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे क्या, एल आई लिस्ट। लिस्ट में फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया यू इंस्टीट्यूट, और फिर एल आई को आपने क्लोज करना है। और इन में आपने यू एल को भी क्लोज करना है। अब इसको मैंने सेव कर दिया और मैं अब प्रोग्राम को रन करता हूं। तो आप देख, ये अनऑर्डर लिस्ट बन गया। ये जो स्टाइल हमें दिखाई दे रहा है, ये इसकी डिफॉल्ट साइज है। इस साइज को, इस पोजीशन को हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम यू एल यहां पे टाइप कर लेंगे, टाइप सर्कल, तो हमारा जो बुलेट है वो सर्कल में आ जाएगा। इसको आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं। में आ गया। यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं ऑर्डर लिस्ट, ओएल ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में भी मैंने इस डेटा को कॉपी कर दिया यहां से। यहां पे ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। जब भी मैं डेटा को एग्जीक्यूट करता हूं, जब भी मैं डेटा को रन करता हूं, तो अब देख 1, 2, 3 के फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो गया। अब देख यहां पे ऑर्डर लिस्ट में डिफॉल्ट हमारे पास क्या आता है, 1, 2 आता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप में लिखिए क्या, ए। अब आपने ए लिख दिया स्मॉल अल्फाबेट में, तो यहाँ पे सारे जो डेटा है वो स्मॉल अल्फाबेट में शो होगा। अगर आप यहाँ पे कैपिटल ए लिखोगे तो डेटा कैपिटल ए में आ जाएगा। अब देख कैपिटल हो गया। इसके अलावा आप इसको रोमन तरीके से भी लिख सकते हो, लाइक किस तरह। अगर आप पहले में क्या टाइप कर लोगे, आई टाइप करो, तो आई शो करता है क्या कि रोमन तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। गुड पॉइंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो किस चीज़ के बारे में था कि हम किस तरह अपनी वेब पेज में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं यू एल। यू एल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। फिर हमने टाइप किया इज इक्वल टू स्क्वेयर। इसमें हम अनऑर्डर लिस्ट में हम चाहते हैं कि बुलेट स्क्वायर की फॉर्मेट में आ जाए। दूसरे में हमने टाइप किया ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में सबसे पहले हमने यहाँ पे डाला डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट जो है वो क्या आता है, 1, 2, 3 आता है। फिर अगर आप उसको चेंज करते हो इटैलिक में, ए बी में, कैपिटल ए बी सी में, स्मॉल ए बी सी में, तो आप उसको चेंज सकते हो। फिर टाइप में आप वही फिगर दोगे, वही वैल्यू दोगे जिसको आप यहाँ पे चेंज करते हो। लाइक अगर यहाँ पे मैं टाइप कर लूँ सेक्स, और फिर मैं यहाँ इसको एग्जीक्यूट कर लो, तो फिर ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 से। अगर आप यहाँ पे 2 मेंशन कर लो और फिर इसको आप एग्जीक्यूट कर लो, तो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 से स्टार्ट होगा। तो सिंपल एज डेट कि हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को हम किस तरह अपनी वेब पेज पे बनाएंगे। तो आज का हमारा जो सेशन था वो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट पे था कि किस तरह हम अपने वेब पेज में ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट वैल्यू को बनाएंगी। इस टॉपिक के बारे में, इस सेशन के बारे में आपकी जो भी राय हो, जो भी कमेंट्स हो, तो आप अपनी कमेंट्स लिख सकते हैं।